इन दोनों प्रोडक्ट के साथ जो है मेरे साथ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है किसी में डिफेक्टिव आया है किसी में मतलब कुछ और ही आ गया है तो ये दो प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ जो है ये कांड हो गया है इस वजह से इसमें मेरे पैसे फंस गए हैं मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए एकदम चीप मटेरियल है बस ऐसे एक बार खींचा जैसा लगता है बीच से ही फट जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका आज की वीडियो जो है मीशो हॉल पे होने वाली है मीशो से मैंने कुछ साड़ियाँ और कुछ ज्वेलरी पीसेस परचेज किए हैं नेकलेस सेट हैं तो वही आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और साड़ियों का जो कलेक्शन है बहुत ही खूबसूरत है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में होने वाला है सुपर डुपर अफोर्डेबल प्राइस में आज का कलेक्शन होने वाला और इन सभी साड़ियों को आप जो है फेस्टिवल में वेडिंग फंक्शंस में पार्टी फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के कलेक्शन में आपके लिए क्या लेके आई हूँ तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं ये शेयर करने वाली फर्स्ट लुक आप इसका देखिए फ्रेंड्स ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसे ऑर्डर किया था तो इसी का रिव्यू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जब मुझे ये फोटो मतलब मैंने देखी थी जो भी मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी थी तो मुझे ये लगा कि ये साड़ी है ओके okay फ्रेंड्स और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने वीडियो शूट की थी मैं अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं साइड में लगा दूंगी तो मैंने जब ऑर्डर किया था तो मैं सोच रही थी कि ये साड़ी है लेकिन जब आया तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था ये साड़ी नहीं है ये एक दुपट्टा है और मतलब कहीं भी उसमें मैंशन नहीं था मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं साइड में भी पिक्चर लगा दूँगी कि मतलब सेलर की चालाकी देखो उसने कहीं नहीं मैंशन किया है कि ये आपको दुपट्टा मिलने वाला है ठीक है उसमें बस सिंपल सी फोटो हुई है तो जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूं ब्राइडल ट्रेडिशनल स्टाइल ब्राइड जस्ट वॉन्ट द बेस्ट ऑफ एवरी थिंग सी वॉन्ट्स टू लुक हर बेस्ट ठीक है फिर उसका डैश डैश हो गया तो और इसकी जो प्राइस है थर्टीन हंड्रेड समथिंग अभी शो हो रही क्योंकि इस समय अभी मीशो पे सेल चल रही है आई uh, थिंक oh, uh, मेरी वीडियो शेल में ही चली जाएगी मुझे ऐसा लगता है अगर नहीं जाती तो थोड़ी सी आपको प्राइस बढ़ी हुई नजर आएगी और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इन्होंने ये लंबा सा कोटेशन लिखा हुआ है उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वो भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रिकमेंडेड दिस ब्यूटिफुल दुपट्टा विद द सदा सौभाग्यवती भव और इमेज में आप देखिए फ्रेंड्स इमेज में इन्होंने कहीं ऐसा नहीं मेंशन किया ना कि ये आपको दुपट्टा मिलने वाला है इस तरह से पूरी इमेज लगी हुई है तो आई थिंक हो सकता है मेरी सब्सक्राइबर को पता हो कि ये दुपट्टा है आ, मुझे ही नहीं पता हो यह हो सकता है उन्हें भी यही पता हो कि ये एक साड़ी है इसलिए उन्होंने इसका रिव्यू मुझसे करने के लिए कहा था तो चलिए फ्रेंड्स अब आ गया है तो इसका रिव्यू भी देख लेते हैं लेकिन मैंने इसे साड़ी ही समझ के ऑर्डर किया था पूरा आपको यहाँ पर ना सदा सौभाग्यवती भवन लिखा हुआ आपको मिलने वाला है वेलवेट के फैब्रिक पर पूरी एम्ब्रॉयडरी है जरी की एम्ब्रॉयडरी है सिकवेंस की एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी है मोती की लेस भी लगी हुई है लास्ट में तो एम्ब्रॉयडरी नो डाउट बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही खूबसूरत है और एकदम फिनिशिंग के साथ इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है बहुत ही प्यारा लग रहा है और इस तरह से पूरी इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और पूरा आपको सिल्क का दुपट्टा मिलने वाला है जिसपे पूरा विविंग का काम है आप इसका वक्त देखिए दुपट्टे की चौड़ान इन्होंने पूरा फुल चौड़ान का दुपट्टा दिया हुआ है रेड एंड ग्रीन कलर में आपको ये दुपट्टा मिलने वाला बांधनी प्रिंट में मिलने वाला है प्रिंट नहीं है फ्रेंड्स ये विविंग का काम है बस जहाँ पर आपको बांधनी जैसा ये वाइट एंड येलो दिख रहा है ये जो है प्रिंटिंग है बाकी जो इसमें आपको डायमंड डायमंड शेप में ये डिज़ाइन दिख रही है पूरा विविंग का काम हो रखा है इस तरह से पूरा आपको मैं आपको बैक से भी इसका

हुई है तो इसलिए वेट है इसमें वैसे फैब्रिक में बिल्कुल भी वेट नहीं एकदम सॉफ्ट वाला सिल्क का फैब्रिक है फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है लुक बहुत ही प्रिटी आ रहा है बहुत ही खूबसूरत आएगा पहनने के बाद तो ये दुपट्टा आपको मिलने वाला है इसकी प्राइस तो मैंने आपको बताई दी है थर्टीन समथिंग है लगभग लगभग फोर्टीन के आसपास है तो इस तरह से ये आपको दुपट्टा मिलने वाला है दुपट्टे की क्वालिटी अच्छी है दुपट्टे की स्टिचिंग क्वालिटी दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी जो इसमें लेस की लगी है सब कुछ बहुत ही अच्छा है दुपट्टे के चौड़ान फुल चौड़ान का दुपट्टा मिलता है दुपट्टे की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ लगभग लगभग मीटर तक की लेंथ तो तो ये ये का रिव्यू। आ, मैंने तो साड़ी ही सोचा था लेकिन दुपट्टा निकला चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं ओपन क्या करना मैं इसे ओपन करके देख चुकी हूँ और इसमें नेकलेस सेट है और इसमें भी मेरे साथ क्या ही बोल सकते हैं चीटिंग हो ही है तो uh, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी जब मैंने इसे खोला तो मैंने ये वाला नेकलेस सेट और इस नेकलेस सेट की भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसे ऑर्डर किया आप देखिए फ्रेंड्स ये नेकलेस सेट है मल्टी कलर्ड में है आप देख सकते हैं इधर ग्रीन रानी एंड येलो कलर का बीट्स लगा इधर सिर्फ ग्रीन एंड रानी कलर का बीट्स लगा हुआ है तो येलो कलर का बीड मिसिंग है अगर इस डिब्बे में भी वो तो येलो कलर का बीट्स होता ना तो मैं उसे लगा लेती वो बहुत बड़ा इशू नहीं है लेकिन मुझे वो बीट्स ही नहीं रिसीव हुई है जिसे मैं इसमें अटैच कर सकूं तो इसका लुक आप देख सकते हैं पूरी तरह से ख़राब हो चुका चुका है अब मैं इसमें क्या कर सकती हूं मैं यही सोच रही थी क्योंकि इसकी रिटर्न डेट भी निकल चुकी है मेरे दिमाग से उतर गया था मैंने इस पार्सल को खोल के देखा ही नहीं था तो इसकी रिटर्न डेट निकल चुकी है तो मैं यही सोच रही थी ये जो ग्रीन वाले बीट्स हैं दोनों में इसे शिफ्ट कर दूंगी येल्लो वाले की जगह पर और येल्लो वालों को मैं हमें रिमूव करके निकाल दूंगी तो शायद इस तरह से थोड़ा सा ये काम में आ जाए बात करते हैं अब इसके लुक की इसकी फिनिशिंग की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है कुंदन का वर्क हो रखा है लुक बहुत ही प्यारा है मल्टी कलर का नेकलेस है इस तरह से आप देखिए फ्रंट पास से आप देखे फ्रेंड्स इसकी स्टाइल इस तरह से है और पहनने पे भी ये बहुत ही प्यारा सा लगेगा बिल्कुल चोकर स्टाइल आने वाला है नो डाउट पहनने पे अच्छा लग रहा है लेकिन ये ये मुझे डिफेक्टिव पीस मिला है इस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी और रिटर्न एंड एक्सचेंज की डेट भी निकल गई थी मेरी इस वजह से इसमें मेरे पैसे फंस गए हैं मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए और ये है इसकी इयर रिंग में भी इन्होंने इस तरह से रेड कलर के बड़े वाले बीड्स लगाए हैं और कुंदन का और मीनाकारी का काम आपको देखने के लिए मिल जाता है तो इसका भी लुक बहुत प्यारा आने वाला है इन दोनों प्रोडक्ट के साथ जो है मेरे साथ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है किसी में डिफेक्टिव आया है किसी में मतलब कुछ और ही आ गया है तो ये दो प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ जो है ये कांड हो गया है चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की नेक्स्ट जो है इसे भी मैंने ओपन करके देख लिया था और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है काफ़ी अच्छे से बबल रैप में आप देख सकते हैं कितनी लेयर बबल रैप में पैक होके ये मुझे मिला है और मैंने इसमें ऑर्डर किया है बेंगल ऑर्डर किया है ये कौड़ी वाले बैंगल आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे सिर्फ नवरात्रि में ही पहन सकते हैं आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में किसी भी पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं अपने बैंगल्स के साथ जब आप इसे अरेंज करेंगे ना तो उसका उसको बहुत बहुत ही प्यारा आने वाला है और ये है ये कौड़ी वाले बैंगल आप देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे बैंगल है बहुत ही खूबसूरत है मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है बहुत ही प्यारा पीस है अगर आपको पसंद आता है तो वो ज़रूर ज़रूर से खरीदिए आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है काफ़ी लाइट वेटेड है फिनिशिंग अच्छी है क्वालिटी अच्छी है एक भी कौड़ी जो है खराब नहीं है मतलब सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेलिंग या बहुत ही प्यारी डिटेलिंग के साथ मुझे मिला है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है पहनने पर मैं आपको दिखाती हूँ पहनने पे बहुत ही प्यारा लगता है और इसकी जो प्राइस है आई थिंक 180 समथिंग है तो टोटली वर्थ इट है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पहनने के बाद इस तरह से इसका लुक आने वाला आप सिंपल प्लेन एक कड़ा भी पहन सकते हैं किसी भी सूट्स के साथ साड़ी के साथ या फिर आप बीच में पूरे बैंगल्स लगा के आगे पीछे भी कड़ा लगा सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है बहुत ही खूबसूरत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये इसमें तो फुल पैसा वसूल मटेरियल है मैं खुश हो गई थी जब मैंने इस पार्सल खोला था चलो इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ये तो बहुत ही अच्छा पीस मुझे मिला है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड पीस है और अब मैं ज्वेलरियाँ दिखा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ सारी ज्वेलरियाँ एक साथ ही दिखा देती हूँ और ये है एक और मैंने नेकलेस सेट ऑर्डर किया है और आई थिंक मुझे लगता है ये सेट ना मैक्सिमम लोगों के पास होगा मैं थोड़ा सा लेट हो गई इसे ऑर्डर करने में लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया आप सब मुझे कमेंट डाउन जरूर करिएगा किसने किसने इसे ऑर्डर किया हुआ है किसके किसके पास है तो मैंने इसे पर्पल शेड में ऑर्डर किया आप देखिए फ्रेंड्स कलर कितना खूबसूरत कलर है बहुत ही प्यारा कलर है आप फ्रेंड्स और इसकी शाइनिंग इसकी जो स्टोन इस की कटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी पूरा ए डी स्टोन लगे हुए हैं चारों तरफ और इस तरह से पर्पल शेड इसमें आपको ग्रीन है पिंक है ब्लैक है बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत ही प्यारा है फिनिशिंग बहुत ही अच्छी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा ना चीप मटेरियल का नहीं लग रहा है आ, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है पहनने पर बहुत ही प्यारा सा लुक देगा बहुत ही खूबसूरत है किसी भी सूट के साथ साड़ी के साथ लहंगे के साथ ये जाने वाला है बहुत ही अच्छा लगने वाला है और इसकी कान की जो स्टड है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए इस तरह से ये आपको स्टड मिलने वाला है इसमें बहुत ही प्यारा है अगर ज्वेलरी ढूंढ आप रहे हैं। तो बहुत ही लाइट है। बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी सा डाला हुआ है लुक बहुत ही आने वाला है इवन इसे गाउन के साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हैं गाउन के साथ भी ये बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा और प्राइस तो सुपर डुपर अफोर्डेबल प्राइस है प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी आई थिंक वन समथिंग में इसकी प्राइस है तो प्राइस तो सुपर डुपर अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिलने वाला है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड पीस है फुल पैसा वसूल मटेरियल है इतने कम प्राइस में बहुत ही प्यारा पीस आपको मिलने वाला है अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं साड़ी शेयर करने वाली बहुत ही प्रिटी साड़ी है बहुत ही खूबसूरत है चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे इसके आंचल पोर्शन से और इसका जो आंचल है मतलब माइंड ब्लोइंग आंचल है आप देखिए फ्रेंड्स ये है इसका आंचल धानी एंड रानी कलर के कॉम्बिनेशन में आपको ये साड़ी मिलने वाली है और इसके आंचल में टेसल्स की डिटेलिंग आप देखिए कितने घने टेसल्स लगाए गए हैं बहुत ही प्यारे टेसल्स लगे गए हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था इसका टेसल्स ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था मतलब एकदम वो कहते हैं ना कोई एक चीज़ होती है उसमें ना वो दिल जीत लेती है वही वाला लुक आने वाला है तो बहुत ही प्यारा है इस पर पूरा फुल विविंग का काम है सिल्वर विविंग का काम है सिल्वर विविंग का काम अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इस तरह से पूरा इस पर विविंग काम हो रखा आप शाइनिंग देखिए फ्रेंड्स शाइनिंग कितनी अच्छी है बहुत ही प्यारा सा वर्क हो रखा है और पूरी साड़ी आपको ये धानी कलर में मिलने वाली ये कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और रानी एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा आप देखिए मैं इसमें आपको ना बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक सी बूटियाँ जाती हैं और काफ़ी पास पास है ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर बूटियाँ बनाई गई हैं मैं आपको बैक से भी इसका लुक दिखा देती हूँ इसके विविंग का काम दिखा देती हूँ इस तरह से पीछे के साइड में विविंग का काम किया गया है अब हल्की हल्की मौसम में थोड़ी सी ठंड आ गई है हमारे यहाँ तो ज़्यादा है आपके यहाँ थोड़ी थोड़ी आई होगी तो आराम से सिल्क की साड़ियाँ ऐसी साड़ियाँ ना आराम से आप कैरी कर सकते हैं ठंड भी नहीं लगती है पार्टी फंक्शन में बहुत ही अच्छा भी लगता है पहनने पर और नीचे की साइड में आप देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको पिंक कलर का बॉर्डर मिल जाता है बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही प्यारा है पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलने वाली है नीचे के साइड में आपको पिंक कलर का बॉर्डर मिल जाता है साड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाली एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरा लास्ट एंड तक जो है आपको इसमें जो है ये वीविंग का काम मिलने वाला है और ये लास्ट तक आपको बॉर्डर मिल जाता है ये साड़ी मैंने स्टिच करवा ली है और इसका ब्लाउज भी मैंने स्टिच करवा लिया मैं भी आपको शो करती हूं इसका में आप इसका लुक देख सकते हैं कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड साड़ी है अगर आपको पसंद आती है विदाउट सेकेंड आप इसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही प्यारी साड़ी है इसकी जो प्राइस है सेवन या सेवन नाइन्टी समथिंग है प्राइस अब मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवा लिया मैं आपको भी शो करती हूँ ये इस तरह से इसका ब्लाउज है आपको रानी कलर का ब्लाउज मिलता है इस तरह से पूरा इस पर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं स्लीव के लिए आपको इस तरह से बॉर्डर मिल जाता है बैक साइड में भी मैंने ये पूरा बॉर्डर लगाया क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सा बॉर्डर था इसलिए मैंने इसे बैक में लगवा लिया इस तरह से ये ब्लाउज है तो ब्लाउज का कपड़े का भी लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है और बनने के बाद इस साड़ी का लुक तो जस्ट आने वाला, बहुत पहना हुआ देख चुका होगा तो ये साड़ी बहुत बहुत ही पिटी आप इसे मेहदी फंक्शन में वेडिंग फंक्शन में पार्टीज में फेस्टिवल में कभी भी पहन सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक देगी और इस समय का जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ही अच्छा रहता है कि ठंड भी नहीं लगती है अगर आप रात में भी पहनते हैं और लुक तो बहुत ही प्राइवेट आता ही आता है मैं बात कर रही हूं बनारसी सिल्क साड़ी की का ही ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है मतलब जस्ट वाओ कलर कॉम्बिनेशन है इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि मुझे दूसरा कलर ऑप्शन चाहिए आपके पास रेड ग्रीन बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप दूसरा कलर ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं बहुत ही प्रटी साड़ी है और एकदम हैवी बनारसी लुक की साड़ी है आप देखिए फ्रेंड्स इसका आँचल देखिए आँचल में आप देखिए फ्रेंड्स कितना शाइनिंग है बहुत ही अच्छा सा गोल्डन शाइनिंग एकदम पूरा एकदम प्रॉपर एकदम ब्राइट गोल्डन वाले जरी का काम इसमें किया गया है डल गोल्डन

बहुत एकदम रॉयल सा लुक आता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड नीचे के साइड में आपको इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड पीस है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी सिर्फ बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी लेकिन इसका लुक जो आता है ना मतलब जस्ट जस्ट वाओ अमेजिंग लुक आता है निकल के बहुत ही प्यारी साड़ी है बहुत ही खूबसूरत साड़ी है इसे भी मैंने स्टिच करवा लिया है क्योंकि मैं इसे एक बार पार्टी फंक्शन में कैरी कर चुकी हूँ पूरा लास्ट एंड तक आपको ये बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी कहीं भी आपको प्लेन नहीं नज़र आने वाला पूरा आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलने वाली है साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं ट्राइन में आप लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स की पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है और जब मैंने इसे पार्टी फंक्शन में किया है, तो वो भी पिक मैं आपको साइड में, में मेंशन कर दूंगी, कि लुक इसका कैसा आने वाला है बहुत ही प्यारी साड़ी है तो विदाउट से सकते हैं और इसका भी ब्लड रेड कलर का पूरा शाइनिंग वाले रेड कलर का ब्लाउज आपको मिलने वाला कपड़ा बहुत ही अच्छा है ये भी सैटन सिल्काई फैब्रिक है इस तरह से आपको इसमें बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है बहुत ही प्यारा ब्लाउज लगता है पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक आता है इस साड़ी का और इस तरह से बैक में मैंने भी इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग लगी क्योंकि बॉर्डर इन्होंने बहुत ही ज्यादा दिया हुआ था तो बैक में भी एकदम आराम से लग गया था और स्लीव में भी इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग लग गई थी तो बहुत ही प्यारा ब्लाउज बन के तैयार हुआ था बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप इस साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिलने वाले इसमें कि जितने भी कलर ऑप्शन है ना सभी बहुत ही अच्छे हैं अगर आपको दूसरा कलर ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हैं बहुत ही प्रिटी साड़ी है अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही प्रिटी है लहरिया पैटर्न में शेयर करने वाली हूँ लहरिया पैटर्न कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में किसी भी फेस्टिवल में और वेडिंग में बहुत सारे दिन भर में भी बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं आप उसमें भी इसे कैरी कर सकते हैं और इतनी लाइट वेटेड साड़ी है ना कि बहुत सारे जब काम होते हैं फेस्टिवल में और वेडिंग फंक्शन में तो आप लाइट वेटेड साड़ी प्रीफर करते हैं लुक भी अच्छा है और लाइट वेटेड भी रहे आराम से भागा दौड़ी वाला भी काम हो जाए तो ये वही वाली साड़ी होने वाली है इस तरह से आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है बॉर्डर

बाकी कहीं आपको गोल्डन फॉयल प्रिंट नहीं दिखने वाला इस तरह से पूरा लहरिया बहुत ही खूबसूरत लहरिया की साड़ी एकदम ब्राइट कलर है लहरिया में जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है न्यूली वेड भी इसे अपने कलेक्शन में रख सकती हैं अगर दिन भर उन्हें साड़ी कैरी करनी है तो आराम से कैरी कर सकते हैं बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं छोटे मोटे दिन भर फंक्शन चलते रहते हैं उसमें भी आप इसे कैरी कर सकती हैं वेडिंग फंक्शन में बहुत ही प्यारी लगेगी इस तरह से पूरी साड़ी आपको मिलने वाली है और जो ये लेस वाली डिटेलिंग है पूरा आपको साड़ी में यहीं तक बस ये लेस मिलने वाली है उसके बाद इतना दूर कपड़ा प्लेन रखा है जो कि पीछे के साइड में भी आपको ये लैस नहीं नजर आएगी लेकिन ये लहरिया का जो पैटर्न है ना इसकी वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि लैस पीछे की साइड में नहीं है या फिर कहीं से बुरा या खराब नहीं लग रहा था तो ये लैस आपको यहां तक आने वाली है ट्राईन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां तक आने वाली है इस तरह से पूरी साड़ी के लास्ट एंड तक आपको ये लहरिया पैटर्न मिलने वाला है और ये है इसका ब्लाउज ब्लाउज से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं ब्लाउज बहुत ही खराब फैब्रिक है एकदम चीप मटेरियल है बस ऐसे एक बार खींचा जैसा लगता है बीच से ही फट जाएगा क्योंकि आप इसका जाली देखिए मतलब इतना जालीदार इतना जालीदार है ये कि अगर मैंने इसे कस के खींचा ना तो ये फट जाएगा तो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका बहुत ही खराब ब्लाउज का कपड़ा इन्होंने प्रोवाइड किया है एकदम अच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगी कि आप इसके ब्लाउज को आप सिलवाइए आपके पास रेड येलो ग्रीन कलर का बहुत सारे ब्लाउज होंगे अगर आप साड़ियां पहनती हैं तो ये सब इतने बेसिक कलर है ना कि सबके पास होते ही होते हैं तो आप कोई भी अपना इसमें दूसरा रेड ग्रीन या येलो कलर का ब्लाउज पेयर कर सकते हैं और लुक बहुत बहुत ही प्रिटी आने वाला है और इसकी साड़ी की फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें क्वालिटी

वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बाय बाय टेक केयर